कौन सी जाति के हो भाई? दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जातिवादी सोच रखने वाले उन महान पुरुषों व स्त्रियों की जो अपने काल्पनिक दुनिया में भारत को मनुस्मृति से चलने वाला देश मानते हैं। मनुस्मृति इज इक्वल टू जातिवाद, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जिन्हें शिक्षा का अधिकार है, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय जिन्हें शासन करने का अधिकार है, ब्रह्मा के जांघों से वैश्य जिन्हें व्यापार करने का अधिकार है, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र जिन्हें मात्र इन तीनों की सेवा करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों 10 लोगों को खड़ा कर लो एक साथ, सिर्फ 5 मिनट बात कर लेना। बात करके यदि आप बता दो कि इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, तो मैं जिंदगी भर के लिए जातिवाद को मानूंगा। जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा, आपके पास हाथ जोड़ूंगा, पैर भी पड़ूंगा। दोस्तों ये जातिवाद नाम की जो बीमारी है ना, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये बीमारी हमने ज़बरदस्ती पाल रखी है। मैं जातिवाद के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, बहुत से लोग मुझे गालियाँ देते हैं, ये इंसान हमारे भारत के कल्चर को बर्बाद कर रहा है, एंटी रिलीजन, एंटी ये, एंटी वो, बहुत सी संज्ञाओं से संबोधित करते हैं मुझे। भाई मैं तुम्हारी इन बातों पर हंसता हूँ, क्योंकि तुम हिपोक्रेट हो, बेवकूफ हो, पढ़े लिखे गवार हो। बुरा मान गए, बुरा माना जाहिर है, आपको बुरा मानना चाहिए क्योंकि आप ऐसे हो। एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, तो लड़के ने घर में बता दिया जी ये बात है, मैं प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लड़की ठहरी पड़ोस के गांव की और जाति से दलित। लड़के के पिता कहने लगे मैं तेरी शादी निचली जाति में नहीं होने दूंगा। भाई ये नीची जाति क्या होता है? जाति तो ठीक है, समझ आता है, पर ये नीची जाति क्या होता है? ये नीची क्या है? वो इंसान अच्छी जॉब कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, अच्छा उसका स्वभाव है। पूछो अपने माँ बाप से नीची जाति क्या होता है। अगर शादी कर भी ले, उनका जवाब पता क्या होगा? सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी, इस तथा कथित मतलबी समाज को बुरा लगता है। अरे कौन है ये सोसाइटी? लोगों से ही तो बनती है सोसाइटी। 4 लोग एक साथ आपस में आसपास अपने घर बनाकर रहते हैं, सभी का खान पान एक जैसा है, रहन सहन एक जैसा है, पर चारों को जातियों में बांट दिया। नहीं नहीं भाई, ये तो ब्राह्मण है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये क्षत्रिय है, ताकतवर है, पैसे वाला है, ये शूद्र है। ये क्या लॉजिक है? ये इंसान तो ठीक है, पर ये जो शूद्र है ना, ये सही नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे यहाँ पे। वह भी काम कर रहा है, एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा उसका स्वभाव है, फिर भी जातियों में बांट दिया। कौन सी समझदारी है ये? चलो हमारे पूर्वजों ने जो किया भूल जाओ, पास्ट था, इतिहास था यार, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं, फिर भी जाति का रोना रो रहे हैं। शेम, बहुत शर्मनाक बात है ये। जहाँ तक आती है सोसाइटी की बात, अगर लोग हिपोक्रेट है, बेवकूफ है, ना समझ है, तो आप भी ना समझ बन जाओ। पूरी सोसाइटी अगर कुएं में कूद जाएगी तो आप भी कूद जाओ ना, क्योंकि आप भी तो इस सोसाइटी का पार्ट है। पर तब नहीं कूदोगे, टांगे पीछे कर दोगे अपनी। हाँ, पर बात जाति की आती है तो जरूर मान लोगे। दोस्तों अगर बांटना ही है इंसानों को, तो उसके स्वभाव के हिसाब से बांटो, उनके कर्मों के हिसाब से बांटो, वे कितना आपको इज्जत देता है, आपका कितना सम्मान करता है, उस हिसाब से बांट लो। पढ़े लिखे समझदार हो तो जाति पाति देखकर लोगों को मत बांटो, इस जाति को लात मारकर भगा दो, क्योंकि इस जाति पाति का जाप करके आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो देंगे, आप अच्छे अच्छे दोस्तों को खो देंगे, आप अच्छे कुलीग बनाने से रह जाओगे, अच्छे रिश्ते बनाने से रह जाओगे। सिर्फ एक ही कारण है इस नकली जाति की वजह से, जिसका कोई वैज्ञानिक अस्तित्व नहीं है। आप जिसको अच्छी जाति का बताते हैं, उस जाति का कोई अगर आपके पास आकर आपके किसी अपने का मर्डर कर देगा तो अच्छा हो जाएगा क्या? आपकी बराबरी की जाति वाला अगर आपकी बेइज्जती कर देता है, आपको नीचा दिखाता है, तो अच्छा है क्या? छोड़ दो इस पाखंड वाली जाति पाति का जाप करना, छोड़ दो, आपकी जिंदर जो जिंदगी है ना, ये सुधर जाएगी दोस्तों, इसको फेंक दो।
ये कहीं पे भी काम आने वाली नहीं है। इस तथाकथित समाज की परवाह मत कीजिए। ये अपने मन में क्या और बाहर क्या, इसका आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आपसे मिलता हूँ अगली रोचक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।